हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शशि का संसार। तो यहाँ पे बना रही हूँ आज मैं मूंग दाल की कचौड़ी। तो ये दाल है, रात को मैंने भिगो दी थी ये, आप 2-3 घंटा भी भिगो सकते हो। तो आज है हनुमान जयंती और देख सकते हो दाल को मैंने मिक्सर जाल में दरदरा पीस लिया है। ये बारीक पीस है बिल्कुल भी। तो दाल मैंने रख दी है पीस के साइड में। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं सब्जी का। जब खस्ता कचौड़ी हम बनाते हैं दाल की या आलू की किसी की भी, तो उसके लिए आलू टमाटर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है उसके साथ में। तो बस वही तैयारी कर रही थी मैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म हो गया था तो उसमें डाल दिया है तेज़पत्ता और खड़े मसाले लौंग, और मैंने वो डाली थी काली मिर्च। तो यहाँ पर मैंने जो मसाले थे वो पानी में घोल के डाले हैं कि इस तरीके से जलते नहीं हैं। तो हल्दी पाउडर और धनिया मिर्च और हींग भी उसी में डाल दी थी। जीरा मैंने पहले ही डाल दिया, तो मसाले अच्छे से भुन गए थे। तो यहाँ पर मैंने टमाटर की प्यूरी डाली है। तो टमाटर है उसमें, हरी मिर्च है और अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने एक। तो बस इस तरीके से मैं बनाती हूँ आलू टमाटर की सब्जी। आलू मैंने बॉईल पहले ही करके रखे थे। तो बस यहाँ पर मैं अच्छे से इसको भून लूँगी। भूनना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा ढक देती हूँ मैं इसको। तो देख सकते हो आप मेरी अच्छी ये मसाला अच्छे से भुन गया है, प्यूरी अच्छे से भुन गई है। और देख सकते हो ऑयल भी साइड हो गया है। तो बस यहाँ पे ये आलू उबाल के रखे थे, 2-3 आलू मैंने डाल दिए हैं। आपको जितनी सब्जी बनानी है उतने उबाल सकते हो, डाल सकते हो। तो बस यहाँ पे मैं मसाले इनको डाल के और इसको अच्छे से मिला देती हूँ मैं। मसाले में मिल जाएंगे आलू, तो इसमें अब हमें जितने, वैसे सब्जी थोड़ी पतली अच्छी लगती है, इस तरीके से बनाती हूँ मैं। और मैं बनाती रहती हूँ कचौड़ी की, आलू की, दाल की। तो मैंने सोचा रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिया है पानी, और फिर पानी को अच्छे से मिला देती हूँ मैं। और बस यहाँ पे नमक डाल देती हूँ मैं। नमक अपने हिसाब से डाल सकते हो, जैसा भी आप लोग खाते हो। तो बस इसको मैं चला देती हूँ और ढक के इसको थोड़ी देर बनने दूँगी मैं। सो गाइस, आज है हनुमान जयंती, तो मैंने सोचा थोड़ा ये अलग कुछ बना लेते हैं। तो बस वही बना रही थी। तो कढ़ाई को मैंने दूसरी गैस पर साइड में कर दी है कि मुझे बनाना है यहाँ पे कुछ मीठा। तो यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है। तो बस मैं मीठे में हलवा बना रही हूँ मैं आलू का। वैसे रवा का मैंने कई बार बनाया है, तो मैंने सोचा आलू का बना, बच्चे बोल रहे थे आलू का बना लो, तो मैं यहाँ पर आलू का हलवा बना रही हूँ, वही शेयर करती हूँ आपके साथ। तो घी डाल दिया मैंने और आलू बॉईल करके रखे थे वो इसमें फोड़ फोड़ के डाल देती हूँ मैं। और बहुत अच्छा बनता है आलू का हलवा, किसी भी त्यौहार पे बना सकते हो। आपका मन जब भी मीठा खाने को करें तो झट से बन जाता है, कभी भी बना सकते हो। तो हमें आलू जब तक ये पकाने, जब तक इनका कलर चेंज नहीं होता, हो जाता, तो मैं इनको भूनती रहूँगी। जब तक इनका कलर चेंज नहीं होगा तब तक बार बार, और इसको गैस को मैंने ज़्यादा तेज़ नहीं किया, नहीं तो जल जाएंगे। और मुझे अंदर तक रेड कलर का करना है लाल। तो बस इसको मैं इस तरीके से पकाती रहूँगी। और आप लोग बताइए आप किस तरीके से हलवा बनाते हो, खस्ता कचौड़ी किस तरीके से बनाते हो, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो बस आलू भुन गए थे मेरे, कलर भी देख सकते हो कितना कलर चेंज हो गया है इसका, एकदम लाल हो गया ये। तो बस यहाँ पर मैंने डाल दी है शक्कर। तो शक्कर आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो इसको मैं जब तक ये शक्कर आलू अच्छे से मिल नहीं जाते तब तक इसको चला दिया था मैंने। और हलवा कितना यम्मी लग रहा है, तो यहाँ पर मैंने बादाम काट के डाल दिए हैं, और भी आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, मैंने बादाम ही डाले। देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना अच्छा होगा। तो बस मैं ये लगा दूँगी भगवान के लिए, हनुमान जी के लिए भोग। और सब्जी भी मेरी बन गई है। तो यहाँ पर डाल दिया है मैंने गरम मसाला, और कितने अच्छी लग रही है सब्ज़ी। तो यहाँ पर डाल दी हूँ, हरा धनिया भी डाल दिया है। कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ मुझे हरा धनिया से ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो बस हरा धनिया डाल दिया है मैंने यहाँ पर। तो बस अब लगा लेती हूँ मैं आटा। तो यहाँ पर मैदा लिया, थोड़ा सा आटा भी लिया था मैंने। तो और यहाँ पर मैंने रवा लिया है। तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। तो इस तरीके से बनाती हूँ मैं खस्ता कचौड़ी।
और आप लोग बताना आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है नमक, और मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो यहाँ पर मैंने क्रश करके अजवाइन भी डाल दी है, और इसमें थोड़ी सी हींग डाली है मैंने, और लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और सौंफ पाउडर भी डाला है। अगर हम कोई भी खस्ता कचौड़ी बनाते हैं तो उसमें सौंफ ज़रूर डालती हूँ मैं। तो सारी चीज़ों को फिर मिला देती हूँ एक बार अच्छे से, मसाले अच्छे से मिल जाएं सारे में। तो बस खस्ता कचौड़ी जब बनाते हैं तो ऑयल बहुत ज़रूरी है, तो मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाला है, आप घी भी डाल सकते हो। तो बस इसको मैं मिला देती हूँ, और मैं आज ये दाल डाल के बना रही हूँ, आप भर के भी बना सकते हो। तो मुझे बहुत जल्दी हो रही थी तो बस मैंने दाल को इसमें डाल दिया, इसे से मैं आटा लगाऊंगी, और बहुत जल्दी झट से बन जाती हैं और बहुत टेस्टी बनती हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, अगर आप लोग ट्राई करते बनाते हो तो मुझे कमेंट करना, नहीं कभी बनाई तो ज़रूर ट्राई करना और कमेंट करके मुझे बताना, मेरी रेसिपी देख के बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने आटा लग गया है देख सकते हो, तो बस आटे को 10 मिनट रेस्ट करूँगी मैं, और यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है, आटा मेरा रेस्ट हो गया था 10 मिनट। तो बस इस एक बार इसको हाथ लगा लेती हूँ मैं, थोड़ा हाथ मार लेती हूँ इसमें। तो यहाँ पे छोटी छोटी लोइयाँ बना के मैं कचौड़ी को छोटे छोटे बेल के, आप बड़ी छोटी बना सकते हो। तो मुझे मीडियम गैस पे ये फ्राई करनी है जो अंदर तक अच्छे से खस्ता बन जाए। एक और बेल के दिखा देती हूँ मैं आपको। और ये कचौड़ी ना हमारे उधर मिलती है आगरा मथुरा दिल्ली में, ये सुबह सुबह नाश्ते में बनाते हैं, तो बहुत ही सभी लोगों को पसंद आती हैं, तो मैं तो हमेशा बनाती रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो बस इसी तरह की सारी कचौड़ी बना लूँगी मैं, एक टिश्यू पेपर उतारती जाऊँगी। तो कचौड़ियाँ फूली फूली बन के हमारी तैयार हैं, तो आ जाइए आप लोग भी। तो बस जैसे होटल वाले देते हैं ना, दुकान वाले देते हैं, तो उस तरीके से मैं सब कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ दोना लिया है, दोने में डाल दी है सब्जी, और इसी में रख दूंगी कचौड़ी। तो देख लो कि आ जाइए आप लोग, कितनी अच्छी लग रही है ना ये। सब्जी बनके तैयार है, आप लोग अपने घर पर ट्राई जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं तो ये कचौड़ी खाने को आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को शेयर जरूर करना।